These examples bring out one of the reason why democracy is considered the best form of government. इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि इसी है डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट फॉर्म माना गया है गवर्नमेंट का. Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. Democracy एक सबसे अच्छी फॉर्म मांगी गई है गवर्नमेंट की, क्योंकि वो जो है लोगों की जरूरत के हिसाब से उस पर रिएक्ट करती है. A non-democratic government may and can respond to the people's needs, but it depends on the wishes of the people who rule. Non-democratic government भी जो है वो people की जरूरतों पर respond या react करती है, पर ये सब डिपेंड करेगा कि जो राजा राज कर रहा है या जो आदमी राज कर रहा है, रूल कर रहा है, उसके मन में इच्छा है या नहीं. इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल. अगर जो रूलर है वो नहीं चाहते तो वो जो है लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे. अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो रूलर्स हैं वो लोगों की नीड्स को प्रॉपरली अटेंड करें. A democratic government is better government because it is more accountable form of government. जो democratic government है वो ज़्यादा अच्छी government है, क्योंकि वो ज़्यादा accountable form of government मानी गई है, यानी कि वो ज़्यादा जो है जिम्मेदार और जवाबदेह मानी गई है. There is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. एक और भी रीजन है कि डेमोक्रेटी जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा अच्छे decisions ले पाती है बजाय किसी non-democratic government के. Democracy is based on consultation and discussion. अब डेमोक्रेसी में क्या है, सलाह मशवरा भी होता है और बहस भी होती है. A democratic decision always involves many persons, discussions and meetings. जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है उसमें हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी बहस होती है और मीटिंग्स बुलाई जाती हैं. When a number of people put their head together, they are able to point out possible mistakes in any decision. अगर बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ कर रहे हैं किसी पॉइंट को लेकर डिस्कशन, तो जरूर हो सकता है कि उसमें वो जो हैं उस डिसीजन में जो गलतियां हो सकती हैं उसको भी पॉइंट आउट कर दें. दिस टेक टाइम, इसमें समय लगता है, बट देर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन. पर कहीं ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर बड़े डिसीजन लेने हैं तो उसमें थोड़ा समय लगे. This reduces the chance of rash or irresponsible decision. इससे क्या होता है कि जो बहुत जल्दी और बिना जैसे कहना कि सही डिसीजन लेने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. Thus the democracy improves the quality of decision making. इससे डेमोक्रेसी क्या कर रही है, जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है उसको भी काफी हद तक इम्प्रूव कर रही है. This is related to the third argument. अब ये जो relations का third argument से है. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड भी देती है जिससे हम जो भी डिफरेंसेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे भी निपट सकें. इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट. कोई भी सोसाइटी हो उसमें लोगों को जो है ज्यादातर डिफरेंसेस होते हैं, चाहे विचारों को लेके हो या इंटरेस्ट को लेके. दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक अवर्स विच हैज एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी. खासतौर से ये डिफरेंसेस जो है बहुत ज्यादा शार्प है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा जैसे अनेकता है, एक सोशल डाइवर्सिटी है, भिन्नता है. पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव डिफरेंट कास्ट. यहाँ पर लोगों के अलग अलग रीजन हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग धर्म मानते हैं और अलग अलग जातियों के हैं. दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेज. वो दुनिया को अलग ही नजर से देखते हैं और उनकी अपनी अलग अलग प्रेफरेंसेज हैं. The preference of one group can clash with those of the other groups. किसी एक ग्रुप की जो प्रेफरेंस है वो दूसरे ग्रुप के साथ क्लैश कर सकती है. How do we resolve such a conflict? अब हम उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझाएंगे? The conflict can be solved by brutal power. या तो पूरी तरह से उस पर क्रूरता दिखाई जाए, ताकत दिखाई जाए, तब सॉल्व किया जा सकता है. Whichever group is more powerful will dictate its terms and the others will have to accept that. जो भी ज्यादा ताकतवर होगा वो अपने टर्म्स चलाएगा और जिसकी वजह से जो कम ताकतवर होगा उसे उसको मानना पड़ेगा. बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस. पर इससे क्या होगा, लोगों में रोष होगा और दुख आएगा. डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे. इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स जो हैं काफी लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. डेमोक्रेसी की वजह से ही पीसफुली इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है. इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर. डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट जीतता नहीं है. नो वन इज अ परमानेंट लूजर. ना ही कोई परमानेंटली हारता है. डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली. अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो एक साथ रह सकते हैं शांति के साथ. इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स अस कंट्री टुगेदर.
ये जो हमारी कंट्री है जिसमें इतनी ज्यादा अनेकता है, तब भी वो जो डेमोक्रेसी है वो हमारी कंट्री को बांधे हुए है एक साथ. These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. ये जो तीनों arguments थे, basically क्या effect है democracy का government की quality पे और social life में वो बताते हैं. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. पर सबसे बड़ा argument जो है democracy को लेके वो ये है कि हम democracy government को क्या करती है इसके बारे में नहीं बात कर रहे. It is about what democracy does to the citizens. डेमोक्रेसी सिटीजंस के लिए क्या करती है. इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट द बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर डेमोक्रेसी अच्छे डिसीजंस नहीं भी दे पाती है या गवर्नमेंट जवाबदेही नहीं हो पाती है, तब भी वो और बाकी जो फॉर्म्स है गवर्नमेंट की उनसे काफी बेटर है. डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस. डेमोक्रेसी में जो है जो सिटीजंस हैं उनकी अपनी जो डिग्निटी है, अपनी जो आइडेंटिटी है, वो भी उसको भी बढ़ावा मिलता है. As we discussed above, democracy is based on the principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. अभी जो democracy है वो इस principle पे चल रही है political equality के, यानी कि वो इस बात को realize करती है कि चाहे कितना गरीब से गरीब हो या कम पढ़ा लिखा हो, उसका भी वही दर्जा होगा जो एक बहुत अमीर या पढ़े लिखे का होगा. People are not the subjects of the ruler, they are the rulers themselves. जो लोग हैं वो किसी राजा की जनता नहीं है बल्कि वो अपने खुद के राजा हैं. इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट. अगर वो बाई चांस कोई गलती करते हैं तो वो अपने इस एक्शन के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं.